हेलो गाइस, दिस इज़ मी अमन शर्मा बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट मैट्रिक्स DRL इंस्टॉलेशन इन टाटा टियागो, जो कि 2020 वेरिएंट है। BS6 गाड़ी है, BS6 नॉर्म्स के हिसाब से आती है। टाटा अल्ट्रोस, टाटा टियागो दोनों बहुत ही सिमिलर दिखती हैं देखने में। एंड इसके अंदर हम मैट्रिक्स DRL लगाने वाले हैं विद फ्लोटिंग इंडिकेटर्स। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बताई, जिसमें मैंने आपको चार पीसेस बताए हैं DRL के, अलग अलग टाइप्स के, वो ब्लिंक करती हैं, अलग अलग इसके फंक्शंस रहते हैं। तो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले अपन आप टाटा डियागो की वीडियो देखो, इसमें किस तरीके की इंस्टॉलेशन होती है DRL की, वो मैं आपको पूरी पूरी बताने वाला हूं। तो इसमें हमने लगाया है टाटा डियागो के अंदर मैट्रिक्स DRL। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देन फिर से अपन गाड़ी की तरफ आएंगे। तो इसका जो बॉक्स है, पैकेजिंग आप देख सकते हो, इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग होती है। लाइट सॉफ्ट आर्टिकल लैम्प होता है। यह DRL आपकी टू पीसेज में आती है, आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसके अंदर आपको टू पीसेज मिलेंगे, कपलर टू कपलर इसकी फिटिंग होती है। आपके ओवरऑल इसकी जो लुक आती है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाली है। डे टाइम रनिंग लैंप्स हम DRLs बोलते हैं, तो इसका डे में भी अच्छा लुक आता है, एंड नाइट में तो आप सभी को मालूम है बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलने वाला है। आपको हम कपलर फिटिंग देने वाले हैं, कपलर टू कपलर वाली फिटिंग है, वायर वगैरह कहीं से भी कटिंग नहीं करेंगे, जिससे जो आपकी वारंटी होगी वो बिल्कुल बढ़िया एंड सेफ़ रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया थोड़ी सी चेकिंग कर रहे हैं, DRL की पोजीशन देख रहे हैं, वाइट आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो किस तरीके से चलेगी, आपका DRL फ्लोटिंग DRLs किस तरीके से चलेंगे वो भैया चेकआउट कर रहे हैं। देन आपको मैं इसका एट लास्ट रिस्पॉन्स भी चेक करवाने वाला हूँ, किस तरीके का इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स रहेगा जब ये पूरा बोनट बंद हो जाएगा एंड गाड़ी एकदम बढ़िया रोड पर जब चलेगी, तो इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा वाला आने वाला है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एच टू एच बिल्कुल फिटिंग कर दी गई है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि ये जो DRL हैं इसको आप गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर लगवाते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी। बोनट के नीचे रहती है, हेडलाइट के ऊपर रहती है, तो चोरी वगैरह का कोई भी चांस नहीं है। कोई भी ऐसे खींच के स्नैच करके DRL को नहीं ले जा सकता है। यहाँ पर जो हमने है लगा दिया है बोनट, तो इसका आप रिस्पॉन्स चेक करो। ये आप देखो, इसको अपन ने जैसे ही लॉक किया तो ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स ऑफ हो गए, एंड इस तरीके से ये देखो फ्लोट कर रहे हैं DRLs। जब अनलॉक करी, लॉक करी, तो इसमें ये पूरे वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, तो ओवरऑल जो गाड़ी का लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप इसमें अपनी लाइट भी जलाते हो गाड़ी की बटन के थ्रू, तो ये आपकी रिमोटली गाड़ी की जो DRL होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपकी इग्निशन है, मतलब जब आप हेडलाइट ऑन कर देते हो तो ये इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जो कि आप चेकआउट करिए। थोड़ा सा मैं आपको पास से भी बताता हूँ किस तरीके का इसका ओवरऑल लुक है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लुक है, वाइट कलर की जो DRL है वो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। साइड बाय साइड हेडलाइट के ऊपर बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी देखने में। अब यहाँ पर हम अगर दूसरी साइड की बात करें तो ओवरऑल इसका भी रिस्पॉन्स सेम एज इट इज़ है दोनों साइड में। यहाँ पर DRL फिक्स हो चुकी है। अब आपको एक साइड का इंडिकेटर किस तरीके का फ्लोटिंग वाला लुक सीन होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसका ओवरऑल। तो ये आप देखो, इसका साइड टर्न इंडिकेटर जब हम देते हैं तो इसका ओवरऑल लुक किस तरीके का आने वाला है। ये आपका ओवरऑल लुक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो लग्जरी गाड़ी होती है, जैसे ऑडी हो गई, ये BMW हो गई, उनमें फ्लोटिंग DRLs आते हैं, तो वो वाला कुछ आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया फिट एंड फाइन फिनिश के साथ आपको देखने को मिलने वाला है हमारे पास। एंड ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप चेकआउट करो ये वाले DRLs, ओवरऑल फ्लोटिंग DRLs अपोजिट साइड के, तो दोनों बहुत ही बढ़िया हैं। अब अपन दोनों को पार्किंग में स्टार्ट करते हैं दोनों को, तो इसका कुछ ओवरऑल रिस्पॉन्स इस तरीके का है। अगर आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं रात के वक्त, तो ओवरऑल इसका नाइट रिस्पॉन्स आपको बहुत ही तगड़ा एंड बहुत ही लुक वाइज देखने को मिलने वाला है। फिनिशिंग बहुत ही प्यारी कर दी है हमने, तो इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है, ओवरऑल इसका DRL लुक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एंड टाटा टियागो कंपनी फिटेड ही लग रही है गाड़ी देखने में। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि आफ्टर मार्केट में इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाए हैं, ऐसा ही लग रहा है कि एज इट इज़ कंपनी फिटेड गाड़ी। अगर ऐसी लगे तो एक नंबर इसका लग्जरियस लुक प्रोवाइड हो गाड़ी को। तो ये कुछ इसका रिस्पॉन्स है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, यूजर नेम आपको नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।